दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं रुक्मणि राजपूत अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आ रही है रक्षाबंधन। तो ये मैंने लिया है एक हाथ रक्षाबंधन पर। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं जिन्हें मेहंदी लगवानी है, ख़ास करके लड़कियाँ और लेडीज जिन्हें मेहंदी लगवानी होती है। तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि छोटे बच्चों के हाथों पर कैसा मेहंदी डिज़ाइन बनाई जिससे वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आज मैं इस हाथ पर मेहंदी का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आज बहुत ही बारीकी से देखना, आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोन को क्लीन कर लेंगे और अब बनाएंगे एक राउंड सर्कल। इस तरीके से हमें एक राउंड सर्कल बनाना है, इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक राउंड सर्कल बनाएं। और इस राउंड सर्कल के चारों तरफ हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल्स इस तरीके से, और इन्हें बिल्कुल इक्वल बनाना है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने ये डिज़ाइन रक्षाबंधन के लिए बनाया स्पेशली इस तरीके से। और अब हम इसे में रोज पैटर्न बनाएंगे इस तरीके से, हमें ये रोज़ वाला पैटर्न बनाना है। ये डिज़ाइन आप किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप रक्षाबंधन पर ही बनाएं। इस तरीके से मैंने इन्हें थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है इस तरीके से, और मेरा जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। और आपको इन्हें फिर से इसके ऊपर आउटलाइन देनी है इस तरीके से, जैसे कि मैं दे रही हूँ आपको भी इसी तरीके से इन पर आउटलाइन देनी है इस तरीके से। और अब इन्हें थोड़ा सा हम इस तरीके से लेयर देनी है इनके ऊपर। बहुत ही ध्यान से बनाएं, बस आपको एक बार ध्यान से देख के बनाएं। वैसे बनाने में ये बहुत ही इजी है और वैसे मैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने वाली हूँ रोज़ पैटर्न से इस तरीके से। हमें ये फ्लावर तैयार करना है, मैंने ये फ्लावर बना लिया है। अगेन हमें फिर से यहाँ पर एक राउंड सर्कल बनाना है इस तरीके से। ये मैंने राउंड सर्कल बना दिया और सेंटर में एक छोटा सा डॉट रख दिया, और अब इसके चारों तरफ हम स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से स्मॉल सर्कल्स बना दिया, अब हम इस पर फिर से रोज वाला पैटर्न बनाएंगे। मैंने फिर से होल्ड किया है इस तरीके से। अगेन फिर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे राउंड, और इसके चारों तरफ हमें स्मॉल सर्कल्स देने फिर से इस तरीके से। और फिर से हमें इस पे रोज वाला पैटर्न बनाना है आप चाहें तो इस डिज़ाइन को पार्टी में भी बना सकते हैं, वैसे ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अगेन हम फिर से एक राउंड सर्कल बनाएंगे और सेंटर में डॉट रख देंगे, और अगेन स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे इस तरीके से, और फिर से हमें रोज वाला पैटर्न देना है और इन्हें बोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। हम चाहें तो इसे फिर से इस फ्लावर को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है, और अब हमें मॉडर्न स्टाइल में एक आर्मी बनानी है इस तरीके से।
ये हमारी मॉडर्न स्टाइल की आमें हो गई। और इस पर हमें देनी है एक लेयर इस तरीके से। अगेन हमें फिर से लेयर देनी है इस तरीके से, और अगेन फिर से लेयर देनी है। अगर आपके पास जगह बचे तो आप फिर से भी लेयर दे सकते हैं। और अब हमें यहाँ छोटी सी एक आउटलाइन देनी है, और आउटलाइन पे हमें डॉट्स देने हैं इस तरीके से। हमें डॉट्स बनाएंगे, और डॉट्स बनाने के बाद अगेन लाइट आउटलाइन देंगे, और आउटलाइन पर स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे। धीरे धीरे बनाना है, बस जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस पर हम बनाएंगे ड्रॉप्स, और अब हम इस पर छोटा सा डिज़ाइन दे देंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर हमारी जगह बची हुई है, तो यहाँ पर भी हमें अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हम मॉडर्न स्टाइल में एक आर्मी बनाएंगे, जो मैंने बना दी है इस तरीके से। और फिर हमें लेयर देनी है, अगेन फिर से लेयर देनी है। और फिर से लेयर देनी है। और अब अभी एक आउटलाइन देनी है इस तरीके से, और उस पर डॉट्स बनाने हैं। जब भी हम किसी आउटलाइन पर डॉट्स बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और जब हमारी मेहंदी सूखकर तैयार होती है तो उसका लुक कुछ डिफरेंट ही आता है। अगर आपके पास यहाँ पर जगह बचे तो आप फिर से आउटलाइन देकर उस पर ड्रॉप्स बना सकते हैं। अब हमें इन फिंगरों पर भी डिज़ाइन तैयार करना है, जिससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगे। तो इस पर हमें दो आउटलाइन देंगे, और एक मॉडर्न स्टाइल की आमी बनाएंगे, और उस पर ड्रॉप्स रख देंगे इस तरीके से। हम ड्रॉप्स बनाएंगे, और इस पर अगेन मॉडर्न स्टाइल की आमी देंगे, और फिर से ड्रॉप्स देंगे। अगर कोई वार की नॉइस आ रही हो तो उसे इग्नोर करें, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इस तरीके से हमें ड्रॉप्स बनाने हैं। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। हमारा डिज़ाइन हुआ कंप्लीट। इसे रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार।